दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बुगाड़ एक बार फिर से तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज जी हैं। मनोज जी, क्या कहें, गठबंधन की बुगाड़ फिर से तेज होती नजर आ रही है? देखिए, हमको तो इस बुगाहट से कोई लेना देना नहीं है। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का निर्णय है कि वो लोग आपस में साथ हो के लड़ते हैं या साथ हो के नहीं लड़ते हैं। भविष्य में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी में समा जाना चाहती है या आम आदमी पार्टी कांग्रेस में समा जाना चाहती है, ये उनका डिसीजन है। हम तो 60% लोगों के समर्थन के साथ दिल्ली की सात सीटें नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री के बनने के लिए देंगे। कांग्रेस और अगर आम आदमी पार्टी दोनों साथ आते हैं तो मानते हैं चुनौती रहेगी बीजेपी के लिए? हमारे लिए तो आसानी हो जाएगी अगर इनका समझौता हो जाए, बड़ा प्रचंड आसानी होगी। अब जैसे मान लीजिए मेरा क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट, जहाँ का मैं सांसद हूँ, वहाँ पे हमारे भाजपा कैंडिडेट के लिए अगर मान लीजिए कि वहाँ खाली आम आदमी पार्टी को टिकट मिल जाए तो पूरी कांग्रेस और प्रत्याशी सब अपने साथ ही होंगे। काहे दिक्कत है भाई, हम तो चाहते हैं आप कर ही लो। इससे अच्छा और हो गया कि आज तो जो उनको हार देखनी पड़ेगी, 2020 में कांग्रेस नाम की कोई चीज़ भी नहीं रहेगी, फिर हम देख लेंगे सब। शीला दीक्षित का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि चाको जो उस तरीके से मैसेज कर रहे हैं उनको भी उसकी जानकारी खुद नहीं है। क्या मानते हैं कांग्रेस के अंदर भी जो कलह है वो सामने आती जा रही है गठबंधन को लेकर? नहीं, अगर ऐसी बात है, मुझे नहीं पता, अगर दो बयान ऐसे हैं तो फिर तो इसका मतलब कि कांग्रेस के अंदर भी दो धड़े हो चुके हैं। इसके अलावा कल से जो चुनावों को लेकर के भाषा का प्रयोग शुरू होना हुआ, माँ बाप के पास भी जो है बातचीत पहुँच गई है, क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए मैं बड़ा ही कल से ना अजीब से थॉट में हूँ कि कितना गिरा हुआ व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल। मेरे पिताजी हैं ही नहीं संसार में, मैं तो 8वीं क्लास में था तो वो चले गए थे। एक गरीब व्यक्ति थे, मुझे 24 साल तक मैं साइकिल पे नहीं चल पाया, उनके दिए हुए सारे उसमें, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे देशभक्ति सिखाई है, मेरे पिताजी ने मुझे ईमानदारी सिखाई है, मेरे पिताजी ने मुझे संस्कार सिखाया है। अरविंद केजरीवाल ने जो भाषा बोली है, मैं उस पर, मेरे पास शब्द नहीं है उसका कैसे मैं वो करूं, बट इतना जानता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जो एक थोड़ी मोड़ी छवि मेरे मन में थी कल से वो समाप्त हो चुकी है कि ये व्यक्ति बहुत ही गंदे लेवल, गंदगी में भी गंदे लेवल का व्यक्ति है, इनको दिल्ली और देश को ही जवाब देने दीजिए। मेरे पिता जैसे गरीब व्यक्ति को गाली देने में करोड़ों लोगों के पिता को गाली है, नरेंद्र मोदी के पिता को गाली देने में अरबों लोगों को गाली है, हम इसका जवाब देश की जनता ही मांगे।